हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, हाउ आर यू एवरीबॉडी, एंड जय जगन्नाथ। मैं अच्छी हूँ, आप सब कैसे हैं? आई विश आप सब अच्छे होंगे। एंड क्रिश क्या कर रहे हैं देखते सबसे पहले चल के। क्रिश, ये सुबह सुबह दर्द भरे गाने क्यों सुन रहे हो? गुड मॉर्निंग तो कह दो। गुड मॉर्निंग तो कह दो। हाय मेरे लड़के, गुड मॉर्निंग। मुंह में मक्खी घुस जाएगी। अभी ड्रिंक लेके आऊं, मॉर्निंग ड्रिंक ले आऊं। अब मैं मॉर्निंग ड्रिंक बनाने जा रही हूँ। आज मैं नए तरीके का मॉर्निंग ड्रिंक बनाने वाली हूँ, आप भी देखना। रेसिपी दूंगी इसमें, और ये भी बहुत अच्छा होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, स्किन के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए। सो तीन चीज़ें मैंने आपको कल की तरह बता दी है कि इस मॉर्निंग ड्रिंक को पीने के क्या क्या फ़ायदे हैं, और कमेंट करके बताना अगर ये आपके लिए भी उतना ही यूजफुल रहा है, रहेगा अगर मैं ये रेसिपी आपको बताती हूँ और आप इसको यूज़ करते हैं तो। सो, जैसे कि सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं और ये जो मॉर्निंग ड्रिंक है विंटर सीजन से रिलेटेड है, बिकॉज हमारे को विंटर सीजन में खांसी होता है, कफ होता है, जुकाम लग जाता है, तो आप इस मॉर्निंग ड्रिंक को पीने से ये सब चीज़ें दूर हो जाएंगी, होने के थोड़े चांसेस कम हो जाएंगे। तो चलो मॉर्निंग रूटीन वाले जो ड्रिंक है रेडी करते हैं। ये मैंने गर्म पानी होने के लिए बिठा दिया है, और इसमें मैं डालूंगी जो है बेल लीव्स के पत्ते, ये दो पत्ते मैंने डाल दिए हैं। उसके साथ में मैं डालूंगी कुटा हुआ अदरक थोड़ा सा, और इन दोनों का ही फ्लेवर जो एक्सट्रैक्ट निकल के आएगा हमारे गर्म पानी में, हमारे को इससे सर्दी जुकाम होने के चांसेस कम हो जाते हैं बहुत। और इसका ड्रिंक बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए, बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है। आज मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगी कि मैं मॉर्निंग ड्रिंक के साथ साथ क्या और लेती हूँ। ये जो है वीट ग्रास जूस है वैद्यनाथ का, जो मैं लेती हूँ, खाली प्लेट लेती हूँ इसको भी, और इसके भी बहुत सारे फायदे हैं। अभी जो हमारा मॉर्निंग ड्रिंक है 2 मिनट में रेडी हो जाएगा, तब तक मैं अपना ये वैद्यनाथ का जो तुलसी वीट ग्रास जूस है वो ले लेती हूँ। भाई ये पहले बता दूं, ये नॉन स्पॉन्सर्ड है, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं आई है। ये मैं अपनी तरफ से ही बता रही हूँ, क्योंकि मैं रेगुलर पीती हूँ इसलिए, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। इसके बहुत सारे फायदे हैं, तो आप भी लिया करो खाली पेट इसको, और फायदे तो मैंने आपको बता ही दिए हैं पहले इसके। अब मेरा जो मॉर्निंग ड्रिंक है वो रेडी हो गया है, और इसमें अच्छा खासा उबाल आ गया है, आप देख सकते हैं। ये देखो, यस, इसमें सारे के सारे एक्सट्रैक्ट निकल के आ गए हैं। अब इसको मैं छान के पी लेंगे क्रिश और मैं, दोनों पियेंगे इसको, और इसके बहुत फायदे होते हैं। आप भी एक बार, मतलब आप भी ट्राई कीजिए घर पे इसको, और इसका जो भी आपको आपका हेल्थ के रिलेटेड इशू होते हैं जो वो सॉल्व होते हैं कि नहीं, कमेंट करके बताना। कल मैंने है ना, ये जो बैकग्राउंड में पेपर लगा हुआ है ये कल मैंने लगाया है, और ये बहुत ही सुंदर बना रहा है मंदिर को, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने इसके नीचे भी बिछा दिया इसीलिए।
आप बताइए कमेंट करके कि ये कैसा लग रहा है। और ये मेरा छोटू सा मंदिर है। आप कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? घर जा रहा हूँ। कौन से घर जा रहे हो? हमारे घर ही आपके घर? बता दो, इंडिया वॉन्ट्स टू नो। आप देखो, ये तो कुछ बताएंगे नहीं कि ये कहाँ जाने। आपको तो पता ही है कितने साइलेंट टाइप के हैं ये, बहुत कम बोलते हैं। मैं ही बोलती हूँ बहुत ज़्यादा। ये गए हैं हमारे उड़िया दुकान से बारा और आलू चॉप और इडली लेने के लिए। उसके साथ बुगनी भी मिलता है, बट मुझे बुगनी खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ आलू चॉप, इडली, इडली मैं वैसे ही खा लेती हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ सांबर के साथ ठीक लगता है। और उसके साथ बड़ा लेने के लिए मेरा फेवरेट जो है दाली चॉप जो होता है, दाल की चॉप है, वो है सबसे ज़्यादा मेरा फेवरेट। वैसे मैंने इनको एडवाइस किया था कि हम चलते हैं जो बाजार वाला है ना, वहाँ पे किसकी एक कचौरी की शॉप है, उसका फेमस कचौरी है, बहुत ज़्यादा फेमस कचौरी है वो, कचौरी वाला है वो। और उसकी कचौरी जो है ना 12 बजे तक आई थिंक ख़त्म हो जाते हैं। मैंने ऑलरेडी ट्राई किया हुआ है बहुत बार, बट मुझे इतना खाना अच्छा लगता है, इनको भी अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा दूर है यहाँ से इसलिए जाने के लिए अच्छा इनको पसंद नहीं है। और ये जो दुकान है ना ओड़िया वाला, तो वो पास में ही है, तो जो भाई पंडा भाई और वो उनके साथ जाते हैं। सो देखते हैं क्या लेके आते हैं हमारे लिए। मेरे से तो वैसे पूछा है, मैंने बोला है कि मेरे लिए वो दाल आलू चॉप और वड़ा ले आना, बट देखो ये क्या क्या लेके आते हैं। अभी क्रिश जो है मुझे बरा और ये सब कुछ पार्सल दे के गए हैं। पार्सल हमारे उड़िया में कहते हैं जो खाना वाना होता है, उसको बहुत सारे उस पर चीज़ें होती हैं, उसको पार्सल कहते हैं जो लेके आते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या दे के गए हैं। क्रिश चले गए हैं क्रिकेट खेलने के लिए, बिकॉज उनको काफ़ी दिनों बाद क्रिकेट खेलने के लिए मिल रहा है, तो वो अपने एक्साइटमेंट को रोक नहीं पाए बिल्कुल भी, और इसलिए वो चले गए पार्सल दे के मुझे। मैं आपको दिखाती हूँ मेरे लिए क्रिश जो है क्या क्या लेके आए हैं। कृष लेके आए ये मेरे लिए वड़ा, दाल चॉप, और इसे कहते हैं गुलगुले। ये स्वीट्स होते हैं, बड़े टेस्टी लगते हैं खाने में। ये सब लेके आए हैं कृष, और मेरी चाय भी रेडी है, मैं चाय के साथ इसको एंजॉय करूँगी। ये हमारे जो है ना उड़िया डिश है सारी की सारी, जो पूरे की पूरे प्लेट में है, ये सारे उड़ीसा में बनता है और ये वहाँ का ट्रेडिशनल डिश है। कमेंट करके बताना कि आपको इनमें से कौन सा डिश, जो ये डिश है, आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता है। और मुझे एक्चुअली दाल वाला बड़ा बहुत पसंद आता है, और ये मेदू वड़ा भी बहुत पसंद है। आलू चॉप लेके नहीं आए हैं, पर कोई बात नहीं, चलता है। एवरी संडे क्रिश और भाई जाते हैं ये जो डिश लेने के लिए, बड़ा चॉप वगैरह जो है, और ये उड़ीसा की जो शॉप है वहाँ से लेके आते हैं। एवरी संडे हमारा ब्रेकफास्ट सबसे पहले यहीं से स्टार्ट होता है, और उसके बाद हमारा लंच होता है। तो मैं इसको जो है हर संडे एंजॉय करती हूँ, बिकॉज इसको घर पे बना नहीं सकते एक साथ इतने सारे डिशेस को, तो क्रिस जाते हैं और लेके आ जाते हैं। अब मैंने लंच के लिए जो है पानी गर्म करने के लिए बिठा दिया है। अब इसमें पानी जब गर्म हो जाएगा, तो पानी बिठा दिया है, जब पानी गर्म हो जाएगा तब मैं इसमें चावल डाल दूंगी। आप मुझे कमेंट करके बताइए आप चावल कैसे बनाती हैं। मेनली कुकर में जब बनाते हैं तो वो मैं प्रोसेस अलग है, बट आप अगर पतीले में बनाते हैं ना, तब कैसे बनाते हैं? डायरेक्ट पहले पानी के साथ चावल छोड़ देते हैं, या फिर पहले पानी को गर्म करके फिर चावल छोड़ते हैं? ये जो प्रोसेस है मुझे कृष्ण ने बताया इस तरीके से, तो कमेंट करके जल्दी से बताइए। गाइस, ये जो चावल है इसमें मैंने हल्दी की गांठें डाली हुई है, ये बड़ी बड़ी, और इसका एक रीज़न है हल्दी की गांठें डालने का। चावल में ना कीड़े लग जाते हैं, तो उनको बचाने के लिए मैंने हल्दी की गांठें डाले हुए हैं, इससे कीड़े नहीं लगते हैं। ये टिप्स आपको अच्छी लगी कि नहीं कमेंट करके ज़रूर बताना। और कौन कौन अभी तक ये वाला जो है टिप्स फॉलो करते आए हैं, मतलब जिनको पहले से पता था, वो भी बताना।
सो गाइस, मैंने अभी लंच कर लिया है। क्रिश लंच करके सो गए हैं ऑलरेडी, आई मीन रेस्ट कर रहे हैं। लंच में मैंने बनाया था चावल, परवल की सब्जी, कुंदड़ी की भजिया और खीरे का सैलेड था। सब्जी जो है बहुत टेस्टी बनी थी। रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि रेसिपी कैसी बनाती हैं आप, परवल की सब्जी वगैरह कैसे बनाते हो। मैंने जो बनाती हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से बनाती हूँ, बहुत ही इजी तरीका है, बहुत ही टेस्टी लगता है और ज़्यादा उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, तो कमेंट करके बताना। सो मैं अभी ना मम्मी के घर आई हुई थी, बिकॉज मैं खाना लेके जाती हूँ जितनी बार मम्मी, मैं कई बार बहुत बार आती हूँ ना तो मम्मी पैक करके खाना दे देती है मना करने के बाद भी। सो वो सारे सारे टिफिन मेरे पास रह गए थे, मैंने कहा संडे का दिन है क्यों ना कि वो रिटर्न कर दे। तो मैं मम्मी के घर आई हुई थी और सारे के सारे मैंने अभी टिफिन पैक करके ले आई थी एक साथ ही, और अब मैंने मम्मी को रिटर्न कर दिया है। अभी चाय का टाइम हो रहा है, भाई ने चाय बनाई है, बेचारे को शर्म आ रही है चाय बनाने पर, सो इसलिए मुँह छुपाने लग रहा है। सो चाय जो बहुत अच्छी बनाई है, सच में बहुत ही अच्छी चाय बनाई है और गुड़ वाली चाय बनाई है, इससे बेस्ट चाय मैंने कहीं नहीं पी होगी। मुझे इतनी अच्छी लगती है इसके हाथों की बनी चाय, लव इट सच में। मैं दिखाती हूँ आपको। सो ये जो चाय बनाई हुई है मेरे भाई ने बनाई हुई है और बहुत ही टेस्टी चाय है, मतलब बहुत ही टेस्टी, क्या ही बताऊँ आपको।